एक लड़का था जिसका नाम रोहन था और वो काफी उदास था। वह अपने पिता के पास रोता हुआ आया। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे 2 आलू, 2 अंडे और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। फिर उन्होंने रोहन से 3 पानी से भरे कटोरे लेने को कहा। फिर उन्होंने कच्चे आलू के छिलके को उंगलियों से उतारने को कहा। रोहन कच्चे आलू के छिलके को नहीं उतार सका। फिर उन्होंने अंडे को फोड़ने को कहा। रोहन ने जैसे ही अंडा फोड़ा, अंडा पूरे फर्श पर फैल गया। फिर उन्होंने रोहन को कॉफी बीन्स को सूंघने के लिए कहा और पूछा, क्या तुम्हें कोई बहुत तीव्र महक आ रही है? रोहन ने जवाब दिया, नहीं। इसके बाद उन्होंने रोहन को 1 आलू, 1 अंडा और कुछ कॉफी बीन्स अलग अलग कटोरे में डालकर उन्हें उबालने का निर्देश दिया। रोहन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जब कटोरे ठंडे हो गए, तो रोहन के पिता ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। रोहन ने देखा कि आलू नरम हो गया था और उसका छिलका आसानी से छिल रहा थी, अंडा फोड़ने पर फैला नहीं। वहीं कॉफी बीन्स के कटोरे से तीव्र सुगंध आ रही थी। सीख: जीवन में हमेशा समस्याएं आएंगी, जैसे कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखती है।